हेलो दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग वर्डप्रेस के सीरीज़ में हम लोग देख रहे हैं कि कैसे वेबसाइट को बनाते हैं, कैसे एसईओ करते हैं, ये सभी ए टू जेड वर्डप्रेस के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे कि कैसे वर्डप्रेस के कोई भी बहुत सारे प्लगइन्स के या बोले तो थीम के अपडेट्स आते हैं, तो कैसे उस अपडेट्स को करने हैं, कहाँ से हम करेंगे। तो दोस्तों, इसको हम आज समझेंगे डिटेल्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर देख रहे हैं। हमने डैशबोर्ड में लॉगिन कर रखा है। यह हमारे कंपनी की वेबसाइट है socialweather.in का, और ये हमने बैकएंड के डैशबोर्ड में लॉगिन किया हुआ है। तो जैसा कि देख रहे हैं, अपडेट्स के वैसे भी ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। तो अपडेट्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डैशबोर्ड के नीचे होम आता है। होम के बाद डैश अपडेट्स का ये दिख रहा है, मेनू दिख रहा है, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, क्लिक करने के बाद देखेंगे कि जो भी अपडेट्स रिक्वायर्ड है प्लगइन्स में और साथ ही साथ थीम्स में, वो सभी यहाँ पर दिखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये प्लगइन में लगभग 4 अपडेट पेंडिंग है जो यहाँ दिख रहा है। और साथ में ये दिख रहा है कि अगर हमारा वर्डप्रेस का भी अपडेट्स आया है तो उसको कर सकते हैं। थीम अप टू डेटेड है, थीम में कोई अपडेट की ज़रूरत नहीं है, और इसको भी अपडेट यहाँ पर आया हुआ है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे कि जो भी अपडेट हमको ज़रूरत है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सबका अपडेट्स यहाँ पर दिख रहा है, चारों का। तो हम लोग दोस्तों बल्क में भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्लगइन्स है, अपडेट प्लगइन्स का ऑप्शन है। तो जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, ये सब प्लगइन अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। एक एक करके अपडेट होगा, एक टाइम पर एक अपडेट होगा, दूसरे टाइम पर दूसरा अपडेट होगा, एक कंप्लीट हो जाने के बाद ही दूसरा अपडेट होगा। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं, योर इंस्टॉलेशन ऑफ WooCommerce इज इनकम्प्लीट, इफ़ यू इंस्टॉल WooCommerce फ्रॉम GitHub प्लीज़ सेटअप। ये दे रहा है कि अगर आपने GitHub से WooCommerce इंस्टॉल किया है तो ये चीज़ है, आप पढ़िए उसको और वहाँ से फिर से ये कीजिए। लेकिन हमने दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं, हमने प्लगइन्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्लगइन्स हमने ये किया, WooCommerce हमने नहीं किया है। तो हमारा शायद वहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, और इस पर अब जब हम लोग कोई भी प्लगइन्स अपडेट करते हैं तो कोई भी वेबसाइट बैकएंड या फ्रंट एंड में हम लोग काम करेंगे तो दोस्तों ये मेंटेनेंस भी दिखाता है, कोई खुलेगा नहीं उस समय के लिए, और जब अपडेट कंप्लीट हो जाएगा तो वेबसाइट यहाँ पे ओपन होता है। तो जैसे कि दिख रहा है, ब्रीफली अनअवेलेबल फॉर शेड्यूल मेंटेनेंस प्लीज़ बैक इन ए मिनट, बोल रहा है कि मेंटेनेंस के लिए अभी है अनअवेलेबल है, आप कुछ देर के बाद वापस इसको लॉग इन करें। तो दोस्तों, जब हमारा, जैसा कि देख रहे हैं, हमने एक मेनू पर उस पर बटन दबाया था, क्लिक किया था, इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है, नहीं तो नहीं आता। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस हमारा प्लगइन्स अपडेट का, तो ये पूरा हमारा फिर से पेज हम देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। जिस तरह दोस्तों हमने प्लगइन्स का अपडेट किया, उसी तरह आप थीम्स का भी अपडेट कर सकते हैं। वर्डप्रेस का अलग अलग वर्जन आता है, उसका भी आप अपडेट कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई भी प्लगइन्स आपको ज़रूरत होता है, अगर मान लीजिए समय समय पर उसका अपडेट आता रहता है, आसानी से उसको जाकर उस इंडिविजुअल को भी आप अपडेट कर सकते हैं क्लिक करके। ये सबसे बड़ी बात है कि एक साथ आप बहुत सारे प्लगइन्स को भी अपडेट कर सकते हैं, अगर इंडिविजुअल एक का करना चाहते हैं उसका भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सभी ऑप्शंस दे रखा है वर्डप्रेस में। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो बेफिक्र होकर उसमें कमेंट कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।